हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शुड आई ड्रॉप फॉर जीपेट प्रिपरेशन। मतलब एक अलग ही टाइप का टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पास आउट हो रहे हैं, उनके कंपेरिजन में ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है वीडियो। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 साल पहले देखेंगे या फिर 4 साल पहले देखेंगे तो बच्चों के दिमाग में नहीं आता था, कोई भी जीपेट प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप की नहीं सोचता था, लेकिन अब बच्चे सोचने लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि भाई उनको नाइपर में जाना है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च। मतलब जैसे कि आपका इंजीनियरिंग में IITs होते हैं, मेडिकल में एम्स होते हैं, वैसे ही फार्मेसी में नाइपर होते हैं। तो नाइपर जाने का सपना होता है और अच्छे या फिर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना होता है, बट ये सपना वो लोग देखते हैं फोर्थ ईयर में पहुंचने के बाद या फिर फोर्थ ईयर कंप्लीट होने वाला होता है तब, अपने दोस्तों को देख करके या फिर आसपास के एनवायरनमेंट को देख करके। तो होता ही है कि यदि आप थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो आपका जीपैट बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, और आप ठीक से पढ़ोगे तो आपका रैंक भी बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है कि जैसे IIT JEE का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, उतना टफ एग्जाम नहीं है, उससे इजी एग्जाम है। लेकिन यहाँ पर अलर्टनेस की जरूरत होती है, वो अलर्ट बच्चे नहीं हो पाते हैं, और अल्टीमेटली जब उनका जीपैट क्वालिफाई नहीं होता या फिर 2-4-5 नंबरों से रह जाता है, फिर उनके मन में सवाल आता है कि यार मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं टोटली। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आपके पास जॉब का रास्ता है, एक आपके पास एम फार्म का रास्ता है। जॉब का रास्ता देखते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यदि बी फार्म के बाद जॉब में जा रहे हैं और उनको अच्छी सैलरी चाहिए तो वो जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। ये जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग तो आपको हायर डिग्री की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप सेल्स में जाते हैं तो फ्यूचर में प्रमोशन आपको वहां पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एरिया मैनेजर में प्रमोट होना है तो बी फार्म की डिग्री में हो सकते हो, रीजनल मैनेजर में प्रमोट होना है तो बी फार्म की डिग्री से ही हो सकते हो, आपको जोनल मैनेजर में प्रमोट होना है तो भी बी फार्म का डिग्री आपका काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नेशनल मैनेजर में प्रमोट होना है तब भी बी फार्म की डिग्री से आप हो सकते हो। बट मीनवाइल आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि बहुत सारे डिस्टेंस कोर्सेस होते हैं MBA के, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के, तो वहां से आप MBA परस्यू कर सकते हो विदाउट लीविंग योर जॉब, और आप एक अच्छा प्रमोशन या फिर नेशनल हेड तक पहुंच सकते हो। और यहाँ पर हम लोग सैलरी की बात करते हैं कि भाई आफ्टर बी फार्म सैलरी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग में ही होती है यदि आपने प्रॉपरली इसको किया और आपने अच्छे से प्रमोशन वगैरह लिया तो। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी होता है इसमें जॉब का फार्मासिस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वगैरह का जॉब होता है, इसी में आपके गवर्नमेंट जॉब्स ले लेते हैं हम लोग, इसी में आपका DI आता है, या फिर आप आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो तो उसमें ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। तो ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बी फॉर्म, और यहाँ पर 2-3 साल आपने टाइम लगाया, वैकेंसी आया और आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तब भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। ज़्यादा उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट यहाँ पर कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है जो 90% से ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जॉब होता है आपके पास इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है? प्रोडक्शन में होता है, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में मिलता है। तो इसमें देखा गया है एक प्रॉब्लम कि जो सैलरी है इंडस्ट्रियल जॉब में वो स्टार्टिंग में काफ़ी कम होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में मार्केटिंग का जो जॉब है वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग में थोड़ा ज़्यादा सैलरी होता है और इंडस्ट्री में कम सैलरी होता है। कई बार यदि आपको अच्छी इंडस्ट्री नहीं मिलती है तो आपका सैलरी इतना कम होता है कि केवल आपके खर्चे के लिए ही वो हो पाता है, मतलब आप कोई भी सेविंग्स नहीं कर सकते स्टार्टिंग के 1 या 2 साल तक। लेकिन जिन लोगों को इंडस्ट्री में जॉब करने में इंटरेस्ट होता है वो करते हैं और धीरे धीरे करके उनका ग्रोथ होता है, और अल्टीमेटली मतलब 5-6 साल जब उनका एक्सपीरियंस हो जाता है एक अच्छे पैकेज पे वो लोग पहुंच जाते हैं। बिकॉज आपके पास यदि स्टार्टिंग में अच्छी कंपनी नहीं है तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको अच्छी कंपनी में जंप करने का मौका मिलता है। यदि आपने प्रॉपरली अपना स्किल्स अच्छे से डेवलप कर लिया है तो आपको अच्छी कंपनी मिल जाएगी, रिप्यूटेड कंपनी मिल जाएगी, और पैकेज में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर ग्रोथ स्टार्टिंग में नहीं है लेकिन बाद में अच्छा ग्रोथ होता है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई अदर जॉब्स भी चूज कर सकते हैं,
जैसे कि आजकल बहुत सारी टेक कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, फार्माकोजिलियंस है, इन सब में प्लेसमेंट वगैरह होता है, तो वहां पर भी बी फार्म के बाद प्लेसमेंट्स हो जाता है, वहां पर भी जा सकते हैं, ठीक है, वो आपका चॉइस होता है। इसमें जो है सैलरी भी बेटर होता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल जॉब। तो ये तो हो गया जॉब की बात। तो आपको जॉब में जाना है बी फार्म के बाद, तो उसमें जा सकते हो। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है एम फार्म। जब एम फार्म की बात आती है तो दो चीज होता है, एक होता है जीपैट, एक होता है नॉन जीपैट, ठीक है। तो जितने लोग को भी एम फार्म करना है उनको डेफिनेटली जीपैट एग्जाम में अपियर होना ही चाहिए, बिकॉज जीपैट एग्जाम में जब आप अपियर होते हो, इसको क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, मतलब जब तक आप एम फार्म कर रहे हो 24 मंथ तक, 12,400 रुपीज का स्कॉलरशिप पर मंथ आपको मिलता है। इसको इंटू 24 कर देंगे तो ये लगभग 2.96 लाख के आसपास होता है जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। मतलब आपने जीपैट क्वालिफाई कर लिया, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया जो एआईसीटीई वगैरह अप्रूव्ड है, तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये आपका फिक्स है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 2.96 लाख मिलता है और आपको जीपैट क्वालिफाई करने के बाद ठीक ही कॉलेज मिल जाता है, तो जो फी है आपका वो लगभग फ्री हो जाता है। मतलब एम फार्म आप अपना फ्री में कर सकते हो, इसलिए बच्चे जीपैट के पीछे भागते हैं और भागना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जीपैट करना चाहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है, किसी भी कारण से हो, चाहे किस्मत खराब हो, ठीक है, जो मैं उतना नहीं मानता, चाहे उन्होंने प्रॉपरली टाइम पे हार्ड वर्क ना किया हो, ये सबसे मेन रीजन होता है, टाइम से उन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं की होती है, अदरवाइज जीपैट मतलब इजिली क्वालिफाई हो सकता है, किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट का जीपैट क्वालिफाई हो सकता है, उसने टाइमली पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ये करना ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात आता है कि आपने जीपैट के लिए प्रिपरेशन किया या फिर नहीं किया, अब आपका मन हो रहा है कि आप जीपैट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ड्रॉप लेने के पहले कुछ क्राइटेरिया है वो आपको देखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट फाइनेंशियल, ठीक है, तो आपके पास यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेरेंट्स फी दे सकते हैं आपका एम फॉर्म के लिए, तो आपको यहाँ पर नॉन जीपैट कॉलेजेस में जाना चाहिए एडमिशन के लिए। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि नॉन जीपैट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये कॉलेज का लिस्ट अभी मैं दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आता है बिट्स पिलानी, जिसका फी हाईएस्ट है 5 लाख। किसी भी तरीके से आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो बिट सेट एक एग्जाम होता है, मतलब जो बिट्स पिलानी अपना एग्जाम लेती है और उसमें आप अच्छा रैंक लाते हो तो वहां पर एडमिशन मिल जाता है। यहां पर बिट्स पिलानी में जीपैट से भी आप जा सकते हो, आपका यदि जीपैट नहीं है तो बिट्स पिलानी का एग्जाम भी दे सकते हो, दोनों का स्कोर अच्छा होगा, दोनों में से किसी एक का स्कोर होगा अच्छा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो NIRF रैंकिंग है बिट्स पिलानी का बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो ये मिल गया आपको, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपका जीपैट नहीं हुआ। उसके अलावा ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अब यहाँ पर फी की बात आती है कि हमारा जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि कम फी में हमें एडमिशन मिल जाए, तो आपने एक एग्जाम सुना होगा आजकल CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है, हरियाणा, लखनऊ, पंजाब, त्रिपुरा, यहाँ पर MDU है जो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर फी के अकॉर्डिंगली मैंने ये जो कॉलेजेस है उसको अरेंज किया है, तो यहाँ पर फी भी कम है और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज में आइदर CUET के थ्रू एडमिशन होता है या फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वहाँ पर अपियर होकर के आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर कैसे एडमिशन लेना है, कितनी फीस होती है, क्या होती है, सब डिटेल्स मैंने बनाया हुआ है एक सेपरेट वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो है कंप्लीट एम फॉर्म एडमिशन गाइडेंस। इसमें और कॉलेजेस हैं यहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पर SRM, निर्मा, अमृता, BIT, मेसरा, यहाँ पर जीपैट वालों का सीट होता है, यदि जीपैट से सीट नहीं भरती है, कुछ सीट्स वैकेंट रहती हैं, तो वहाँ पर नॉन जीपैट को भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बट इनका फी हायर है, तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि आप फाइनेंशियली एबल हो तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सेकंड थिंग आता है, आप जीपैट प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका इस साल जीपैट में यदि आपने प्रिपेयर करके दिया है तो स्कोर कितना है। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 148 आया था कट ऑफ जनरल का, ठीक है, या फिर आप अपने कैटेगरी वाइज जो भी रख सकते हो, 148 आया था, तो आपका जो स्कोर आया है जीपैट में ये लगभग 100 से 120 के बीच में आया है, तो आप
ड्रॉप लेने की सोच सकते हो। ड्रॉप आपका दो तरीके से हो सकता है, ये जो ड्रॉप है आपका जॉब के साथ भी हो सकता है, आपका विदाउट जॉब भी हो सकता है, मतलब कंप्लीट ड्रॉप, कंप्लीट ड्रॉप। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जॉब के साथ ड्रॉप, तो जॉब तो कर ही रहे हो, तो ड्रॉप कैसा हुआ? ड्रॉप ऐसा हुआ कि आपने यहाँ पर एम फार्म में एडमिशन नहीं लिया नॉन जेपेट में, ठीक है, ये एक तरीके का मतलब पढ़ाई से ड्रॉप लिया है, बट आप जॉब कर रहे हो और आपका ये पर्टिकुलर स्कोर है और आपको जेपेट क्वालिफाई करना ही है, तो जॉब के बाद भी आप घर आकर के 2 घंटे से लेकर के 3 घंटे डेली पढ़ाई करोगे, 2 घंटे भी पढ़ाई करोगे डेली, तो आपका जेपेट में बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, बिलियो में बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 100 से 120 नंबर आप ला रहे हो, तो आपको कितने लिए करना है, साल भर में मेहनत करोगे तो 12 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लोगे तो 12 × 4 इज इक्वल टू 48 मार्क्स आपके बन जाएंगे, लेकिन साल भर आपने 2 घंटे भी पढ़ाई किए 365 दिन, तो आपका 12 की जगह कम से कम 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे, तो ये हो जाएंगे 24 × 4, तो ये आपके हो जाएंगे 100 मार्क्स, तो आप 100 से सीधा 200 या फिर 220 नंबर पे पहुंच जाओगे, इतने में आपका अंडर 300 अंडर 400 रैंक बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसके साथ भी मैनेज कर सकते हो। दूसरा कंप्लीट ड्रॉप, तो मैं उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप कंप्लीट ड्रॉप लो, क्योंकि कंप्लीट ड्रॉप लेने से ना कुछ एडवांटेज है तो उससे ज्यादा डिसएडवांटेज है, तो हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें आपको फुल टाइम मिलता है, ठीक है, तो यदि आप ऐसा करते हो और आपको फुल टाइम मिलता है और आप 100% एकदम डिटरमाइंड होकर के स्टडी करते हो, मतलब कंटिन्यूअसली स्टडी कर सकते हो, तो आप ऐसा चांस ले सकते हो, बिकॉज जब आप फुल टाइम ड्रॉप लोगे तो आपका कुछ फ्रेंड होगा जो जॉब कर रहा होगा, आपके कुछ फ्रेंड होंगे जो एम फार्म कर रहे होंगे अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, ठीक है, तो आपको एक वो मन में सोच रहता होगा, यार मैं पीछे हो गया, 1 साल पीछे हो गया, इस तरीके की सोच रहेगी, तो उन सब सोच से आप उबर सकते हो, आप एक अच्छा कर सकते हो, तो ये फुल टाइम ड्रॉप आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो फुल टाइम ड्रॉप लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पर आपको 24 × 7 आपके पास टाइम है केवल जीपैट के लिए, तो आप यहाँ पर अंडर 10 लाना सकते हो, अंडर 100 लाना चाहते हो, तो ये सारे चीजें ला सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा है जो अंडर 10 या फिर अंडर 100 लाता है फुल टाइम ड्रॉप लेकर के, ऐसा कोई भी स्टूडेंट मैंने नहीं देखा है। इस रैंक में जो भी स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट वो होते हैं जो 4th ईयर के होते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज देख लो, इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आपके पास थॉट्स आएंगे, कौन कौन से थॉट्स आएंगे कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आप 1 ईयर बैक चले जाओगे, 1 ईयर का आपका लॉस हो जाएगा, और थर्ड थिंग जो सबसे बुरा होता है कि आपका ये फुल कंप्लीट ड्रॉप लेने के बाद भी जीपैट जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, तब क्या करोगे, तब मतलब एक डिप्रेशन सा भी हो सकता है। तो अब इसमें मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे जीपैट के लिए अपियर होते हैं तो काफ़ी प्रेशर में होते हैं, पढ़ लिए होते हैं 6 महीना या फिर 8 महीना, तो जीपैट एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में या फिर 1 हफ्ते पहले कुछ प्रेशर में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत लोगों का क्वालिफाई नहीं होता है। एग्जाम में 5 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन भी आपने गड़बड़ कर दिया तो आप क्वालिफाइड भी हो सकते हो, नॉट क्वालिफाइड भी हो सकते हो। तो मेरा तो सजेशन है कि भाई आप एम फार्म करना चाहते हो, नॉन जीपैट कॉलेज से मिल जाता है, आप फाइनेंशियली एबल हो तो इस पे जाओ और वहां पर जाकर के एम फार्म फर्स्ट ईयर में फिर से अटेम्प्ट करो, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है नॉन जीपैट के साथ आपको जाना और अच्छे कॉलेज में जाना यार, मतलब ऐसे ही कोई नॉर्मल कॉलेज में मत चले जाना कि जहां पर आप एम फार्म भी कर रहे हो, उसके बाद फिर कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप जॉब भी कर रहे होते हैं, मतलब पार्ट टाइम काइंड ऑफ, तो इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना, आप अच्छे कॉलेज आपको मिल रहा है नॉन जीपैट से तो वहां पर जाओ, वहां पर जाने के बाद एम फार्म फर्स्ट ईयर में आप तो पढ़ ही रहे हो एम फार्म में, उसको थोड़ा सा और पढ़ लो अच्छे से तो जीपैट बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। इस कैटेगरी में मैंने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते देखा है, उसके बाद फिर आपका स्कोर कार्ड होगा 3 साल के लिए वैलिड, आप पीएचडी के लिए नाइपर में ट्राई कर सकते हो, ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि आप ये जो सेकंड ऑप्शन चूज करते हो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन का, तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जॉब कर रहे होते हैं और वहां पर डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करते हैं, 1 साल की बात होती है, फिर 1 साल की भी बात नहीं, अब तो जून आ गया, अभी से स्टार्ट करोगे तो 10 महीने की बात होगी या फिर 9 महीने की बात होगी, तो आपने 8-10 महीने ठीक से मेहनत कर लिया तो आपका जॉब के साथ साथ भी जीपैट में बहुत अच्छा रैंक्स आता है, ये मैंने होते हुए देखा है।
ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। थर्ड जो कंप्लीट ड्रॉप है, तो कंप्लीट ड्रॉप में मैंने देखा है कि 50% सक्सेस रेट होता है, कंप्लीट ड्रॉप लेते हैं 50% लोगों का क्वालिफाई हो जाता है और 50% लोगों का क्वालिफाई नहीं होता है। जब नहीं होता है तो वो स्थिति बहुत बुरा होता है। बट मेरा फिर से फाइनल वर्ड्स, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए जीपैट के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।